हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तंत्र व तलवार के धनी महाबली भोकाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स धरणीधर। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। समय कभी नहीं रुकता। दिन, मास, वर्ष, दशक, शताब्दी और युग के पंख लगाकर वह सदा उड़ता ही रहता है। और जैसे जैसे समय बदलता है, वैसे वैसे ही बदलता है मानव, उसकी सभ्यता और उसका इतिहास। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, समय ने सैकड़ों युग बदले हैं, हजारों इतिहास रचे हैं, लाखों सभ्यताओं को जन्म दिया है। इन्हीं सभ्यताओं के साथ समय ने उन्हें भी जन्म दिया है जो कहलाते हैं युग पुरुष। अपने शौर्य, अपनी शक्ति, अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर हर युग में कोई ना कोई युग पुरुष कहलाया है। कभी अपने प्रलयंकारी फर्श से 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश करने वाले क्रूरऋषि योद्धा परशुराम ने अपने युग पुरुष होने की पताका संपूर्ण ब्रह्मांड पर लहर फहराई, तो कभी महापापी रावण का संहार करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम युग पुरुष कहलाए। कभी दुष्ट कंस को मारने वाले श्री कृष्ण ने प्रेम की बंसी बजाकर युग पुरुष होने का गौरव प्राप्त किया, तो कभी पांच पांडव पुत्रों ने अपना पराक्रम दिखाकर स्वयं को युग पुरुष का उत्तराधिकारी सिद्ध कर दिखाया, जिसके कारण कहीं कोई लंका जलाई गई, कहीं पृथ्वी की छाती को अस्त्रों शस्त्रों की मार से बीन दिया गया, कहीं महाभारत रचा गया तो कहीं उसके आंचल को लहू से सराबोर कर दिया गया। नहीं, पृथ्वी को राज्य की सीमाओं में बांधकर छोटे बड़े टुकड़ों में बांट दिया गया। नहीं, नहीं, एक तेज चीख के साथ महाध्यान से वापस लौटे धरणीधर के चेहरे पर क्रोध और दुख के सम्मिलित भावों का जमघट लगा हुआ था। हम इस समय कलयुग में हैं, यानी हमारे युग को बीते 20,000 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इतने वर्षों में मनुष्यों ने पृथ्वी को क्या से क्या बना दिया है। हमारे युग में जो पृथ्वी आदि से अंत तक थी, अंत तक एक थी, वह अब करोड़ों टुकड़ों में बट चुकी है। उफ, परमपिता ब्रह्मा, ये आपकी कैसी माया है, ये आपका कैसा विधान है। अचानक धरणीधर के चेहरे पर क्रोध का भूकंप नजर आने लगा। हमें आपका यह विधान कतई स्वीकार नहीं परमपिता। हम अपनी प्रिय पृथ्वी को करोड़ों टुकड़ों में बटा नहीं देख सकते। हम संपूर्ण पृथ्वी को एक करने का प्रण लेते हैं, और जब तक हम ऐसा नहीं कर लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। मानो तीनों लोकों में गूंज उठी थी धरणीधर की वह प्रतिज्ञा। फिर वहां नहीं रुका था धरणीधर, दृढ़ कदमों से एक तरफ बढ़ता चला गया। भोकाल जैसे सैकड़ों वीर हमारी प्रतिज्ञा के रास्ते में अड़िग पर्वत की तरह आ खड़े हो सकते हैं, इसलिए हमें प्राप्त करनी होगी ऐसी शक्ति जो हर पर्वत को क्षण भर में ही धूल में मिलाकर उसे हमारे रास्ते से हटा दे। इस युग में ऐसी शक्ति कौन सी है और वह हमें कहाँ और कैसे मिलेगी, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। इसी बीच राजधानी में जब भोकाल की चेतना वापस लौटी तो वह उछलकर उठ खड़ा हुआ। कहाँ गया वह दुष्ट आपको कपट से अचेत कर सिंहासन लेकर चला गया स्वामी। हमें खेद है महाबली, हम में से किसी ने उसे रोकने का प्रयत्न नहीं किया। प्रयत्न करते तो भी उसे रोक नहीं पाते। कोई उसे रोक पाता भी तो कैसे। जिसकी भुजाओं में बल का समुद्र भरा हुआ था, शरीर में शक्ति का तूफान समाया हुआ था, मुझे उसे रोकना होगा, क्योंकि मेरा हृदय कहता है कि शीघ्र ही समस्त ब्रह्मांड पर एक बड़े संकट के रूप में छा जाने वाला है। अद्भुत शक्तियों और अकल्पनीय बल का वह स्वामी धरणीधर, महेंद्र पर्वत पर निवास करने वाले परशुराम, पृथ्वी के इतिहास में तुम ही एकमात्र ऐसे योद्धा हो जिसके क्रोध और शस्त्र ने ब्रह्मांड में प्रलय मचा दी थी, पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। धरणीधर को तुम्हारे क्रोध और तुम्हारे प्रलयंकारी फरसे की आवश्यकता है, इसलिए
परशुराम प्रकट हो, धरणीधर की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रकट हो, हमारे समक्ष प्रस्तुत हो परशुराम। पहले की भांति धरणीधर का यह आदेश भी महेंद्र पर्वत की चट्टानों से टकराकर वापस लौट आया। इसी के साथ क्रोध से भभकता चला गया धरणीधर का चेहरा। तूने विश्व रक्षक धरणीधर के आदेश का उल्लंघन किया है परशुराम, इसके दंड के रूप में हम तुम्हारे इस निवास को ही छिन भिन कर देंगे जिसमें छिपकर तुम बैठे हुए हो। तेजी से आगे बढ़ा धरणीधर, तेजी से आगे बढ़ी धरणीधर की वे भुजाएं। अगले ही क्षण जिनमें ऐसे थमाता विशाल महेंद्र पर्वत जैसे कोई तिनका थमा हो, अब अंतरिक्ष के किसी अंधकार भरे कोने की शोभा बढ़ाता नजर आएगा यह पर्वत। महेंद्र पर्वत को अंतरिक्ष में उछाल फेंकने को मचल उठे उस बलशाली के हाथ, अचानक उस आवाज को सुनकर ठिटक गए, तनिक रुकिए महापुरुष। हम आपकी आवश्यकता पूरी करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं परशुराम, कृपया पर्वत को यथास्थान रख दीजिए श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र। आपका प्रताप देखने के लिए ही हमने इतना विलंब किया। आप परमपिता ब्रह्मा के सर्वप्रिय और सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं, इसलिए आपकी आवश्यकता पूर्ण करने में हमें जरा भी संकोच नहीं। यह लीजिए हमारा आग्नेयास्त्र फरसा, और यह लीजिए हमारा क्रोध। धन्यवाद परशुराम, हमारा उद्देश्य पूर्ण होते ही हम तुम्हारी ये दोनों वस्तुएं तुम्हें वापस लौटा देंगे जैसी आपकी इच्छा। अपना फरसा और क्रोध धरणीधर को सौंपकर परशुराम अंतर ध्यान हो गए। धरणीधर भी वहां नहीं रुका रहा, संपूर्ण विश्व को एक करने के लिए हमें किसी ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहां हम इंद्र के सिंहासन पर बैठकर संपूर्ण विश्व पर निगरानी रख सके, और ऐसा स्थान निसंदेह ही हमारा वह महल होगा जिसे समय की धूल ने अपने आंचल में दबा रखा है। सबसे पहले हमें अपने उसी महल की खोज करनी है, और अपने महाध्यान से हमें ऐसा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। धरणीधर ने महाध्यान लगाया, जिसके बल पर उसने चुटकियों में ही अपने महल को तलाश लिया। विकास नगर राज्य के उत्तर में स्थित विशाल कृषि लूम पर्वत के नीचे स्थित है हमारा महल, हमें उसे बाहर निकालना होगा। विकास नगर जहां के नागरिक जुटे हुए थे अपने नायक के स्वागत समारोह में, महाबली भोकाल इस स्वागत समारोह में पधारने ही वाले हैं। चारों ओर खुशियों का वातावरण था। अचानक गुंजी वह आवाज जो हर्षोल्लास के उस वातावरण में अपने आतंक का जहर घोलती चली गई। गड़ गड़, हो ये आवाज कैसी? यह आवाज तो इतनी भयानक है जैसे पड़ले आ गई हो। आवाज सुनकर भयभीत हो उठे विकास नगर वासियों को। जब आवाज का वास्तविक कारण पता चला तो उनकी रूहें कांप गई। तब उन्हें पता चला कि सचमुच पड़ले आ गई थी। गड़ 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 गड़, उस अत्यंत विशाल चट्टान के रूप में, और वह पड़ले द्रुत गति से लुढ़कती विकास नगर की तरफ ही बढ़ रही थी। हे ईश्वर, इतनी विशाल चट्टान कहां से आई है? चट्टान कहीं से भी आई हो, लेकिन राजधानी में प्रवेश करते ही यह चट्टान विनाश मचा देगी। ऐसा नहीं होगा, भोकाल के होते यह चट्टान उसकी कर्म भूमि की धूल भी नहीं छू पाएगी। बड़ाक, प्रहारा से निकले उस विशाल हथौड़े ने एक ही वार में उस विशाल चट्टान को चूर चूर कर दिया। अपने नायक का कारनामा देखकर खुशी से नाच उठे सभी। हमारे नायक महाबली भोकाल की जय, जय भोकाल की जय जयकार का यह घोष अचानक एक बार फिर गूंज उठी उस भीषण आवाज के शोर में दब गया। गड़ गड़ गड़, एक बार फिर सभी आवाज की दिशा में पलटे और एक बार फिर आतंकित होकर रह गए, क्योंकि विनाश उन्हें एक बार फिर राजधानी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था। गड़ 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 गड़, इस बार वह विनाश मात्र एक ही नहीं सैकड़ों विशाल चट्टानों के रूप में था।
हो। लेकिन इस बार विकास नगर का विनाश निश्चित था, क्योंकि विकास नगर के नायक के चेहरे पर जो भाव इस समय मौजूद थे, उससे स्पष्ट हो रहा था कि वह एक ही बात सोच रहा है। एकमात्र प्रहारा से वह पल्ले सूचक किस चट्टान को रोके और किसे जाने दे। विनाश मचाने के लिए एकाएक कहां से आ रही थी वे चट्टाने? क्या भोकाल उनसे मचने वाले विनाश को रोक पाया? कौन था धरणीधर? कहां से आया था? कहां था उसका महल? क्या वह अपने महल को ढूंढने के साथ साथ अपना उद्देश्य पूरा कर पाया? जानने के लिए पड़े विश्व रक्षक। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है। अगली कॉमिक्स विश्व रक्षक में भी मिलते हैं, इसी कॉमिक्स में या किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।